कैसे छोड़ सकते हो? और तुम चार्ली के साथ कैसे टहलने जा सकती हो और मेरे साथ नहीं? और यह क्या है? वाह, सेब का पेड़, कितना अच्छा, इस पर सेब है। मुझे कितनी भूख लगी है, मैं वास्तव में एक दो सेब खाना चाहती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। मुझे इससे फ्रेंच फ्राइज बनाने की जरूरत है, लेकिन सही सेब तो बहुत ऊपर है, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? मेरे पास एक आइडिया है, मैं पेड़ को थोड़ा हिला सकती हूँ और सेब मेरी टेबल पर गिर जाएगा। इसके लिए मुझे बस हेलमेट पहनना है, क्योंकि ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। देखो, मैंने तुमसे कहा था, यहाँ सेब है। वाह, यह क्या है? वाह कूल, ये एक रसोई गैजेट है जो मुझे फ्रेंच फ्राइज के आकार में सेब का टुकड़ा काटने में मदद करेंगे। अब इसे शुरू करते हैं। वाह, यह काम कर रहा है, कितना अच्छा और बहुत स्वादिष्ट। और यह सब कुछ एक सेब के पैकेट में रखना बाकी है, और इसे अपने भाई एलेक्स को परोस सकते हैं। चलो जल्दी से उसके पास चले। ओम, मैं ध्यान कर रहा हूँ ब्रिटनी, ओम रास्ते में बताओ। ओ नहीं ब्रिटनी, तुमने मेरे ध्यान को क्यों डिस्टर्ब किया? मैंने लगभग जेन को पकड़ लिया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सेब फ्राई लाई हूँ। यह सामान्य फ्रेंच फ्राइज की तरह ही है, लेकिन सेब से बना हुआ। जल्दी से ट्राई करो, पसंद आया? मैंने बहुत कोशिश की। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है, और वह कहाँ जा रहा है? वाह, यहाँ एक पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है, ये सभी छोटे लोग अविश्वसनीय रूप से कुछ अच्छा बना रहे हैं। अरे तुम यहाँ क्रेन पर क्या उठा रहे हो? वाह, ये है खिलौना लॉग है। ये मुझे खाना बनाने में मदद कर सकता है, और मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ये लॉग मुझे फ्रेंच फ्राइज की याद दिलाते हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं, बल्कि चॉकलेट वाले। मैं खुद को छोटे लॉग के रूप में फॉइल मोल्ड बनाऊंगी, फिर मैं अपना फेवरेट न्यूटेला अंदर डालूंगी। कमेंट्स में लिखे क्या आपको न्यूटेला पसंद है। एलेक्स और मैं उसे बहुत पसंद करते हैं, और अब इसे फ्रेम में डालना होगा और इसे जमने के लिए फ्रिज में रखना होगा। और अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं सोशल मीडिया के लिए कुछ नई फोटो लेना चाहती हूँ। तैयार। खैर, काफी समय बीत चुका है, यह चॉकलेट फ्राइज को बाहर निकालने का समय है। वाह, ये बहुत अच्छा निकला, हमें इसे तुरंत टेस्ट करना होगा। हाँ, सब अच्छे से जम गया है, हम इसे निकालते हैं और इसे एलेक्स के पास ले जाते हैं। वाह एलेक्स, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट फ्राई लाई हूँ। एलेक्स कहाँ है? अजीब, मैं कमरे में उसका इंतजार करूंगी, वो कहाँ जा सकता है? ठीक है, अब बहुत समय से नहीं, और मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती। वाह कितना स्वादिष्ट है, ब्रिटनी को थोड़ा डराने का सही समय है। बैड मॉन्स्टर, उसने मेरा पैर पकड़ लिया। मम्मी, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। ओह, क्या ब्रिटनी से लाई थी? वाह चॉकलेट चिप्स, कूल, हमें इसे जल्दी आजमाना चाहिए, ये बहुत स्वादिष्ट है, 5 स्टार। अब हमें इन प्रिंगल्स को हिट करना होगा। मैं इस बॉल को फेंक रही हूँ, हुर्रे स्ट्राइक। वाह, उनके अंदर कुछ और था, लेकिन अब यह चिप क्रम में बदल गया है। मुझे इसे आजमाना चाहिए। वाह, यह स्वादिष्ट है, काश मैं चिप से फ्रेंच फ्राइज बना पाती। वाह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं चिप्स के टुकड़ों को असली फ्रेंच फ्राइज में बदल सकती हूँ। मुझे बस एक अंडे को जार में तोड़ने और अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। अच्छी तरह से मिलाया और इसे माइक्रोवेव में डाला, तैयार होने तक पकाते हैं। बिल्कुल सही। ओह, यह कितना गर्म है, अब सब कुछ निश्चित रूप से तैयार है, इसे बाहर निकालना होगा। वाह, यह कितना अच्छा बना, अब केवल सही स्टिक्स में काटने की जरूरत है। मेरे पास इसके लिए एक अच्छा गैजेट है, बस इसे जोर से दबाना है और सब कुछ सही टुकड़ों में कट जाता है। शानदार, बस इसे पैकेट में डालते हैं और चखने के लिए एलेक्स को दिया जा सकता है। यहाँ सबसे मुख्य बात बैलेंस बनाकर रखना है, मैं जरूर सफल होऊंगा। ओह, मैं लगभग गिर गया, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, मुझे सही बैलेंस मिला है। ओह हाय ब्रिटनी, क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया है? बढ़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, फ्रेंच फ्राइज, लेकिन किससे बना हुआ? ठीक है, चलो ये ट्राई करता हूँ। वाओ, चिप्स से बने फ्रेंच फ्राइज, बहुत। ओ नहीं, मैं गिर रहा हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल प्रोजेक्ट बनाया है, वोल्केनो, हमें यह जांचना होगा कि यह काम करता है या नहीं। वाओ, यह सच में काम करता है, कितना अच्छा, टीचर निश्चित रूप से मुझे ए देगी। मुझे कुछ खाना भी बनाना होगा। क्या ज्वालामुखी केवल इस तरह फूटेगा? हालांकि अभी भी गर्म है, मैं इस पर अपने फेवरेट खट्टे कैंडी को पिघला सकती हूँ। एलेक्स ने निश्चित रूप से अभी तक खट्टा कैरामेल फ्राइज नहीं खाया होगा।
वाह, वे कितनी जल्दी पिघल गए हैं। अब मोल्ड में सब कुछ डालते हैं और अब हम इसे बाहर निकालते हैं और देखो बहुत बढ़िया, हमने अपने मजेदार कारामेल फ्राइज को एक पैकेट में रखा और फिर इसे जल्दी से एलेक्स की ओर ले जाते हैं। मशीन को सावधानी पूर्वक स्टार्ट करना जरूरी है ताकि ये सभी लूप से क्रॉस कर सके। वाह कितना अच्छा। ओह मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नया फ्रेंच फ्राइज बनाया है, इसे ट्राई करो। वाह ये बहुत अच्छा लग रहा है, चलो इसे चखता हूँ। ओह बहुत हार्ड है, क्यों? तो इसे चाटना होगा। वाह मैंने निश्चित रूप से अभी तक कारामेल फ्राइज नहीं खाया है, मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। कूल रेसिपी, मैं इसे 5 स्टार देता हूँ। तो इसे रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? ओह मैं बहुत थक गई हूँ। और यह क्या है? ये बाइक की तरह दिखता है, असल में एक चाकू है। वाह ये अच्छा है, यह निश्चित रूप से डो को छोटे टुकड़े में काटने में मेरी मदद करेगा। मुझे लगता है एक बड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बन जाएगा। सब कुछ कट गया है, मदद के लिए धन्यवाद बाइक। और अब हम सब कुछ एक बेकिंग शीट पर डालते हैं और इसे ओवन में सेकने के लिए भेजते हैं। जल्दी मिलते हैं फ्राइज। काफी समय हो गया, अब यह निश्चित रूप से तैयार हो गया होगा। वाह सब कुछ तैयार है, कितना अच्छा। हमें जल्द से जल्द एक पैकेट में सब कुछ डालना होगा और इसे एलेक्स को सर्व करेंगे। वाह यह असली फ्रेंच फ्राइज की तरह दिख रहा है। वाह यह कूदने के लिए बहुत अच्छा है। मेरा बैलेंस बिगड़ गया। एलेक्स, एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है यह तुम्हारी मदद करेगा, मेरी नई फ्रेंच फ्राइज, जल्दी ट्राई करो। बेशक चलो। वाह यह नए तरह का लग रहा है, मैं कहता हूँ वाह यह अच्छा है, मुझे और दो। मैं निश्चित रूप से इस फ्राइज को 5 में से 5 दूंगा। फ्रेंच फ्राइज की ढेर से मुझे क्या बनाना चाहिए? हाँ मुझे पता है, सबसे पहले मुझे एक बड़े कंटेनर की जरूरत होगी जहाँ मुझे केतली से पानी डालना होगा। यह मुश्किल हो सकता है लेकिन इसे कर सकते हैं। अब हमें फ्राइज के लिए सभी पैकेजों को चमकीले रंगों में रंगने के लिए कुछ रंगीन पानी डालना होगा, यह बहुत खूबसूरत लगेगा। तैयार। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये गिरना नहीं चाहिए। हमने सभी पैकेट्स को डाल दिया, अब हम अपने वर्किंग प्लेस को इससे सजा सकते हैं। इसे एलेक्स के पास ले जाने की जरूरत है क्योंकि उसका टेबल हमेशा खराब ही रहता है। ओ नहीं ब्रिटनी, मैं पकड़ता हूँ। तुम इतने सारे खाली फ्रेंच फ्राइज पैकेट्स क्यों लाई हो? क्या तुम इसे मेरे बोर्ड पर सजाना चाहती हो? लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो इस बोर्ड को साफ करें, ये पैकेट्स उस पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब सब कुछ तैयार है और अब तुम्हारा टेबल हमेशा सिस्टमेटिक रहेगा। तुम्हें बस इन सभी पैकेट्स में अपनी पेंसिल, मार्कर और दूसरी चीजों को डालकर रखना होगा, कम जगह में अच्छी तरह से रखना। इतना आसान और सरल है। वाव धन्यवाद। हमारी छोटी नैन्सी क्या चाहती है? वाव यह फ्रेंच फ्राइज है, चलो इसे जल्दी से बनाकर बेबी को खुश करो। ओके। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना बहुत पसंद है लेकिन मैंने कभी इसे बनाया नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं? मुझे आलू छीलने की जरूरत है पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मेरे पास फ्रोजन फ्राइज है। अब मुझे क्या करना होगा? एक फ्राइंग पैन में तेल डालना है, यह बहुत आसान है। हम एक तेल की बोतल लेते हैं और इसे डालते हैं। अब ठीक है, अब स्टोव को पूरा तेज कर देता हूँ और इसमें फ्राइज डाल देता हूँ। नहीं एलेक्स यह मत करो। क्या मैंने फ्राइज डाल भी दिया है? ओ नहीं, अरे तेल छलक रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं फ्राइंग पैन फेंक दूंगा। यह बहुत बेहतर है एलेक्स, यह बहुत खतरनाक था। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह कैसे करना है। कटा हुआ फ्रेंच फ्राइज को तेल में डालना है, हमें सब कुछ सावधानी से करना है, उसे अब तक तैयार हो जाना चाहिए। हाँ फ्रेंच फ्राइज तैयार है, सुपर। हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं और थोड़ा केचप डालते हैं और हमारा काम हो गया। अब मेरी रेसिपी दिखाने की बारी है, मैं बहुत बेहतर कर रही हूँ। मैंने पहले से ही सही आलू पकाया है, अब मुझे बेकन को फ्राइंग पैन में भूनना है। बढ़िया, बेकन में फ्रेंच फ्राइज को रोल करेंगे ऐसे, यह बहुत स्वादिष्ट रोल दिख रहा है। अब हम सब कुछ एक प्लेट पर डालते हैं और उसके ऊपर बेरी सॉस डालते हैं
ऊपर से थोड़ी रोज़मेरी और मेरी परफेक्ट डिश तैयार है। मैं जरूर जीतूंगी। और एलेक्स क्या कर रहा है? मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मैं गमी केले से फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें बस एक प्लेट पर सब कुछ डालना होगा और बहुत सारा स्ट्रॉबेरी सिरप डालना होगा। तैयार, इसे नैन्सी को सर्व कर सकते हैं। वाह, ये सभी फ्राइज बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यह अलग सा दिख रहा है, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। यह बेकार है, मुझे ये पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, यह फ्राइज की तरह दिख भी नहीं रहा है। चलो इसे सॉस में डुबाने की कोशिश करें। वाह, तो यह स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी है। बढ़िया। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, कितना स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज। केचप के साथ इसका स्वाद और भी अच्छा होता है। मुझे वास्तव में पसंद आया। दादी जीत गई। अरे, मुझे पता था। क्या आप जानते हैं मुझे अब क्या चाहिए? मेरे लिए वॉफल बनाओ, सबसे स्वादिष्ट। बहन, यह किया जाएगा। मुझे अंडे चाहिए। हम उन्हें कटोरे में तोड़ते हैं। बढ़िया। और फिर चीनी। क्या हुआ दादी? हाँ हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा डाल दूंगा। हालांकि आप जानते हैं मेरी छोटी बहन को सब कुछ बहुत मीठा पसंद है। और अब हमें एक विस्क के साथ सब कुछ मिक्स करने की जरूरत है। बढ़िया, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। लेकिन हमें इसमें आटा डालना होगा ताकि बैटर इतना लिक्विड ना हो। हाँ। ओ, ओ, आटा मेरी नाक में घुस गया। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। अरे, मैं आटे में ढका हुआ हूँ। ओह, मैंने अपनी दादी को भी आटे से ढक दिया। माफ करना, लेकिन मेरा डो तैयार है। हमें बस इसे एक वॉफल मेकर में डालना होगा। बढ़िया, मेरे पास जल्द ही दो स्वादिष्ट वॉफल होंगे। दादी, आप कैसा कर रही हैं? मेरा यहाँ सब ठीक है। मैंने पहले ही डो तैयार कर लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट निकला। सबसे सुंदर वॉफल बनाने के लिए सब कुछ वॉफल मेकर में डाल देंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। शेफ, तुम क्या कर रही हो? मैं अब आप देखेंगी, मैं मीठे वॉफल नहीं बनाऊंगी, मैं जुकीनी वॉफल बनाऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होगा। मुझे ग्रेट किया हुआ जुकीनी, फिर अंडे, थोड़ा पार्सले और फिर आटे की जरूरत होगी। अब केवल इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए सब कुछ मिलाना है। दो लगभग तैयार है। कितना सुंदर हरा रंग और इसका स्वाद लाजवाब है। अब सब कुछ एक वॉफल मेकर में डालेंगे और फिर इसके पकने का इंतजार करेंगे। मेरे वॉफल तैयार हैं। अब केवल इसके ऊपर मैपल सिरप डालना और फिर ऊपर से बटर का एक टुकड़ा डालना बचा है। एलेक्स, जरा देखो ये कितना प्यारा निकला। ओ नहीं, एलेक्स, तुम्हारे वॉफल में आग लग गई है। क्या, यह नहीं हो सकता। उन्हें जल्दी बाहर निकालना होगा। ओ नहीं, मेरे सभी वॉफल जल गए हैं। नैन्सी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। ओह, खैर चलो इसे व्हिप्ड क्रीम की एक बड़ी परत के नीचे छिपाने की कोशिश करें और हम ऊपर बहुत सारे स्वादिष्ट बेरीज डाल देंगे। तब नैन्सी को पक्का कुछ नहीं पता चलेगा। जितना मैं कर सकता था मैंने वह सब किया। तुम्हारा डिश भयानक लग रहा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वॉफल कैसे सर्व करें। ऊपर एक चम्मच सार क्रीम, कटा हुआ चेरी टमाटर और थोड़े से पार्सले। तैयार। इस तरह की डिश सभी खाना चाहेंगे। नैन्सी, तुम इसे चख सकती हो। वाह, ये सभी वॉफल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे जल्दी इसे ट्राई करना है। वाह, बहुत अच्छा। यम्मी। और यहाँ क्या है? ये वॉफल वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। स्वादिष्ट है, मेरे फेवरेट बेरीज। और व्हिप्ड क्रीम भी है, ये अच्छा है। पर वॉफल कहाँ है? ये कितनी अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। ओ नहीं, ये जला हुआ टुकड़ा क्या है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसे अपने मुंह में भी नहीं डालूंगी। और शेफ ने क्या पकाया है? क्या वे हरे हैं? और पार्सले यहाँ क्या कर रहा है? ओह, इसमें जुकीनी है। ये बहुत खराब है। दादी, पक्का आप जीत रही हैं। हुर्रे,
मेरा डिश फिर से सबसे अच्छा हो गया। मुझे आप कॉफी चाहिए, क्या आप इसे बनाएंगे? ये बहुत आसान और स्वादिष्ट है। बिल्कुल नैन्सी, हम कॉफी बना पाएंगे। ओह एलेक्स, मैं आइस तोड़ रहा हूँ। यह काम किया, हुर्रे। अब हम एक ग्लास में आइस डालते हैं। ग्लास को चॉकलेट सिरप से भी सजाएंगे। ये रहा, पहले चख लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हमने ग्लास को खूबसूरती से सजाया और अब इसमें बहुत सारा चॉकलेट मिल्क और रेडीमेड स्टारबक्स कॉफी डालूंगा। यह कमाल का स्वादिष्ट होगा। बढ़िया, आप व्हिप्ड क्रीम। यम्मी। चलो ऊपर से इसे सजाते हैं। हो गया, अब केवल ओरियोस को ऊपर से रखना है और नैन्सी की फेवरेट कैंडी से सब कुछ सजाना है ताकि उसे ये जरूर पसंद आ जाए। यह अच्छा है, मैं इसे सर्व करने के लिए तैयार हूँ। What? यह क्या है? No. नहीं एलेक्स, तुमने फिर से कुछ गलत किया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे पास इंस्टेंट कॉफी का एक बैग तैयार है। इसे पूरे ग्लास में डालना होगा, इसके बाद इसमें गर्म पानी डालेंगे और ये तैयार। देखो ये मेरे कप में है जिस पर मेरी ड्राइंग बनी हुई है। ऐसा खाना बनाना एक तरह का मजाक है। अब मैं आपको सही रेसिपी दिखाऊंगी जो सभी को निश्चित रूप से पसंद आएगा। यह कॉफी बनाने का सबसे सही तरीका है। कॉफी बीन्स को पीसकर पाउडर बनाना जरूरी है, फिर एक ग्लास में इसे डालेंगे और फिर उबलते हुए पानी को डालेंगे। सब कुछ मिलाएंगे और हम इसे मग में डाल सकते हैं। अब केवल इसमें दूध डालना बचा है, पर इसे अच्छे से मिक्स करके झाग बनाएंगे। बढ़िया, इसे डालते हैं और दालचीनी से दिल के रूप में एक सुंदर ड्राइंग बनाएंगे। तैयार। नैन्सी, इसे जल्दी चक्कर बताओ कि यह कैसा है। वाह, यहाँ कितने सारे अच्छे कॉफी हैं। मैं इस कॉफी को अपनी फेवरेट कैंडीज के साथ आजमाना चाहती हूँ। वाह कितना स्वादिष्ट है, यहाँ किटकैट भी है, यह अच्छा है। मुझे इस तरह की कॉफी पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद आया। और अब इस कॉफी का समय है। वह कितना प्यारा है, यह एक सुंदर हार्ट भी बना हुआ है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। यह गंदा है, मुझे यह पसंद नहीं आया। उफ। और यहाँ क्या है? वाह, दादी ने निश्चित रूप से इसे बनाया है। ओ नहीं, मुझे यह पसंद नहीं आया। चलो मैंने पहले ही तय कर लिया है कि एलेक्स जीतेगा, उसके पास सबसे अच्छा है। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे चाहिए रोल। क्या आप इसे बनाएंगे? यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। यह आसान है। रोल के लिए कुछ चावल उबालने की जरूरत है। मैं भी इस तरह कर सकती हूँ। क्या तुम सही में फिश रोल बनाने जा रही हो? नैन्सी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। हमें मीठे रोल बनाने की जरूरत है। यस, असल में स्वादिष्ट होगा। आओ गमी रिबन और व्हिप्ड क्रीम का उपयोग करने का प्रयास करें। वे सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अब फिलिंग के लिए गमी आइस और गमी बेयर। अब हमें इसे लपेटना है। वाव, यह अभी से स्वादिष्ट दिख रहा है। चॉकलेट सिरप से यह और शानदार लगेगा। इसे ऊपर डालता हूँ। बिल्कुल सही, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? यह भयानक है, काश मैंने इसे नहीं देखा होता। वाव, मेरा चावल पक गया है। हम चावल को एक विशेष बोर्ड पर रखते हैं और ऊपर से नोरी की सीड डालते हैं। दादी, क्या आप मेरा नकल कर रही हैं? नहीं, मुझे बस चिंता है कि तुम्हें चोट ना लगे।
मैंने पहले ही चावल खुद पका लिए हैं। अब मैं सब कुछ बोर्ड पर रख दूंगी। मैं सब कुछ खूबसूरती से इसके ऊपर सीवीड की भी सीट डालूंगी। अब तैयार है। ओह दादी, तुम्हें समझाना मुश्किल है। अब हमें फीलिंग डालनी होगी, कुछ चीज और खीरे। अब सबको मोड़ने की जरूरत है। आप क्या कर रही हैं? मैं भी अभी सभी को मोड़ने जा रही हूँ। चलो कॉटेज चीज, थोड़ा खीरा, आसान, देखो है ना ठीक। यह अच्छा है कि मैं यहाँ खाना बना सकती हूँ। अब आपको रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हम सब कुछ एक प्लेट पर डालते हैं, थोड़ा वसाबी और सोया सॉस डालते हैं। बिल्कुल सही, मेरा सब कुछ तैयार है और ये बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन आपका कैसा बना है दादी? मेरा भी लगभग सब कुछ तैयार है, बस मछली को ऊपर से रखने की जरूरत है। यह भयानक लग रहा है, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है, मैं खीरे का रोल बना सकती हूँ। इसके लिए बस खीरे को टुकड़ों में काटने और बीच से इसे खाली करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, अंदर में चावल भर देंगे और यह तैयार हो गया। स्वादिष्ट और हेल्दी रोल तैयार है, नैन्सी को जरूर पसंद आएगा। वाओ, बहुत सारे अलग अलग रोल है। मैं मीठे के साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाओ, ये सबसे स्वादिष्ट है। वाओ, यह अच्छा है, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे पसंद आया। और यहाँ क्या है? दादी, यह रोल की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मैं इसे खाना नहीं चाहती। और यहाँ क्या है? वाह, यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। कूल, अब स्वाद का जानना बहुत जरूरी है। हम एक रोल लेते हैं, इसे सोया सॉस में डुबोते हैं और ट्राई करते हैं। वाह, अद्भुत स्वाद, मुझे वास्तव में ये पसंद आया। लेकिन कौन सा रोल जीतेगा? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से शेफ जीत रही है। मुझे संदेह नहीं था। चलते हैं। ये वाह, कितना कोक है। चीयर्स बहन, शर्ट लगा लो, मैं एक घूट में पूरी बोतल पी सकता हूँ। हाँ, मैं भी वो कर सकती हूँ। और अब हम कैंडी भर सकते हैं। बस ये गिरे ना। हाँ, हमें इसे दूसरी बोतल में भी डालने के लिए पानी की जरूरत होगी, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोया है। और मैंने ऊनो काट लिया है ताकि पानी न गिरे। क्या तुम तैयार हो? फिर मैं इसे पलट देती हूँ। हुर्रे, चलो खींचते हैं। वाह, ये काम कर गया। देखो ये कितना सुंदर है। वाह, सही कह रहे हो, ये मस्त है, हमने अच्छा किया। वाह, मैं यह पहले ही देख चुका हूँ। यह भी। वाओ वाओ, यह लाइफ हैक जांच के लायक है। वाओ, मैं यहाँ हरा लगाऊंगी और यह एकदम सही होगा। वाओ, तुम मास्टर हो। धन्यवाद। देखो मुझे क्या मिला है, तुम क्या सोचती हो? हाँ, यह अच्छा है। एक सेकेंड, सभी रंग इकट्ठा कर लिया, चलो चलते हैं। अरे मेरे लिए रुको। ओह, मुझे दूध पिए बहुत समय हो गया है। तुम्हारी मूछें बन गई है। चलो दूध डालने का समय है, बस एक सेकेंड। अब क्या होगा? मुझे किस पेंट से शुरू करना चाहिए? चलो बैंगनी लेती हूँ। ओह, यह खुल क्यों नहीं रहा है? पेंट सूख गया है क्या? लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो देखते हैं, मैंने आज पुशअप्स करके अपने हाथों को मजबूत बनाया है, और इसे कैसा रहेगा। उफ, चलो खुलो। ये काम किया। येलो, हुर्रे, सभी रंग प्लेट पर है। अब केवल इसमें डालना है डिटर्जेंट। हाँ, इसे कॉटन स्वैप पर गिराकर दूध में डालना होगा। कूल, वाव, देखो सुपर, हमने कर लिया। हाँ, हाई फाइव। मेरे बॉयफ्रेंड ने फूल भेजा है, कितना प्यारा। हेलो, क्या तुमने वह देखा? कहाँ? ओह, फूलों के साथ एक लाइफ है, आइडिया अच्छा है। ओ, वाओ। वाओ, क्या खुशबू है। अरे भाई, खाना बंद करो, चलो जूस बनाते हैं। ठीक है, मैं गाजर से शुरू करूंगा। एक सेकेंड, और यह हो गया। फिर मैं सैलरी डालूंगा, बहुत हरा। क्या तुम टमाटर के बारे में भूल गए? लाल रंग कोई बुरा नहीं होगा। और मैं पीला केला लूंगी। हाँ, ये कितना अच्छा है। ओके। अगर सब तैयार है तो आगे बढ़े, इस बीच हम खेल सकते हैं। हाँ, मैं जीत गई। आर्म रेसलिंग कैसा रहेगा? हाँ,
मैं फिर से जीती। ओ भाई जागो, देखो हमारा लाइफ हैक काम कर रहा है। वाओ, ओ वाओ, फूल कितने रंगीन हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छा है। ये ब्लॉगर्स भी ना, ये फनी होता है जब वो खुद को एक स्टार समझती है। क्या तुम एक नया लाइफ हैक देखना चाहती हो? हम एक बोतल में जेली बनाएंगे, कूल है ना? मुझे ये पसंद है। चलो करते हैं। मेरे गले में खराश है, मुझे इसे कोक के साथ ठीक करना होगा। वाओ कितना स्वादिष्ट है। और मुझे कुछ कैंडी मिली, एक पैक काफी नहीं होगा, मैं एक ही बार में सब खोल देता हूँ, जितना ज्यादा उतना अच्छा। वाओ चलो उन्हें रंगों से छांटे। और वाओ देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैं रेनबो के सभी रंगों को शामिल करूंगा ताकि वे खूबसूरती से झिलमिलाए। वाह अब इसमें कॉर्न सिरप डालेंगे। चलो भाई, वाह बढ़िया, अब बोतल को फ्रिज में रखना होगा और इसके जमने तक इंतजार करना होगा। ओह मुझसे बहुत इंतजार नहीं हो रहा है, क्या तुम्हारे मुंह में भी पानी आ रहा है? वाह कूल, हमने किया, ये कमाल का है, मुझे भी चाहिए। क्या मैं? हाँ बेशक, सुपर, कितने सुंदर कैंडी है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाओ कूल लाइफ है, धन्यवाद भाई। ओह मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भयानक है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे यकीन नहीं है तुम्हें खुश करेगा, ये एक लाइफ हैक है, कैसे एक लावा लैम्प बना सकते हैं। तुम इसे बनाना भी चाहती थी? एक सेकेंड, रुको यहाँ यह एस्पिरिन ले लो। धन्यवाद, अब मैं इसे जल्दी से बनाऊंगा और अपनी बहन को सरप्राइज करूंगा। सबसे पहले क्या करना है? हाँ पानी डालना है, फिर पेंट, ओह लाल उसका फेवरेट रंग है। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है। हाँ ऐसे, तैयार। लगता है यहाँ तेल की जरूरत है, क्या ये नारियल तेल है? चलेगा, मुझे लगता है इतना काफी होगा। और एस्प्रीन, ये मेगा सुंदर है, मेरी बहन जरूर बहुत खुश हो जाएगी। जागो सिस, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कहाँ? वाह लावा लैम्प बन गया, ये मस्त है, धन्यवाद, तुम जीनियस हो। मैं इसे अपनी जगह पर रखूंगी। ओह, मैं थक गया हूँ। या क्या? कितनी जोर से चोट लगी, ये लो। मैं इसे बाद में देखूंगा, पहले मुझे बहन को खोजना है। ओ माँ, ओह मैं मुश्किल से बच पाया। माफ करना, मैं गलती से, इसे भूल जाओ, बेहतर होगा तुम इसे देखो। यह जांच करने लायक है, मेरे पास कुछ बैलून्स बचे हैं। चलो किचन में चलते हैं। वाओ इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सोडा और सिरका की जरूरत होगी, और एक फनल भी। अब मुझे एक बैलून दो। अच्छा ठीक है लो, अब हम इसे फनल पर कसकर लगाते हैं और इसे सोडा से भरते हैं। सुपर, अब हम सिरका पर ये गुब्बारा डालेंगे। और तुम तैयार हो? पहले से कहीं ज्यादा, तो फिर शुरू करते हैं। वाओ देखो ये फूल रहा है, वाओ ये अद्भुत है, हॉगवर्ट्स के जादू की तरह, ये फटेगा तो नहीं? ओह कुछ दिलचस्प, मुझे एक नया रेनबो लाइफ हैक मिला है, इसे तुरंत बेटी को दिखाना होगा। नहीं देखो मैं शेफ हूँ। ओह वह क्या था, क्या तुम गिरने वाले थे? चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है, देखो मुझे क्या मिला है, क्या कहती हो? ठीक है चलो इसे देखें। मुझे स्केट दो। क्या? नहीं ये मेरा फेवरेट स्केट है, इसे अच्छे तरीके से दे दो, किसी हाल में नहीं। रुको मेरे पास एक आइडिया है, पापा का लैपटॉप कैसा रहेगा? मुझे उसके लिए खेद नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, मैं पेंट स्प्रे करने जा रही हूँ। कितना सुंदर, तुम्हें पसंद आया? वाओ और आप क्रीम,
मैं सूरज बनाऊंगी। अब इस पर काला रंग लगाना है और फिर पानी से धो देना है। वाओ, बहुत सुंदर। कूल, तुमने लैपटॉप को कितनी खूबसूरती से सजाया है। पापा खुश हो जाएंगे। शाबाश बहन। क्या यह कैट फूड है? यह लो दोस्त, खाओ। वाओ, बहुत बढ़िया। ब्रिटनी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मुझे क्या मिला है। वहाँ क्या है? वाओ, मुझे भी यह चाहिए। चलो इसे करें। मैं कुछ कैंडी डालने जा रही हूँ। ओह, वे प्लेट पर कितने अच्छे से कूद रहे हैं। ओहो, तुम इसे फैलाओ और मैं पानी लेता हूँ। अरे, इसे लाइफ हैक के लिए बचाओ। खैर ठीक है। वाह, यह नहीं हो सकता। वाह, तुम अद्भुत हो। तुम्हें स्ट्रॉ चाहिए? बढ़िया आइडिया, यह मस्त है। देखो, यह मजेदार है। तुम्हें खुद को देखना चाहिए। ओ, बिल्ली की आंखों को देखो। उसने भी स्किटल्स पी लिया। ओह, कितना डरावना। अरे, पॉपकॉर्न कहाँ है? क्या यह खत्म हो गया है? ओ नहीं, केवल दाने बचे हैं। यह अच्छा नहीं है। एक मिनट रुको। ओ, मुझे याद आया, कल मैंने एक कूल लाइफ हैक देखा था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे इसे देखने दो। वाओ, यह अच्छे समय पर याद आ गया। चलो कुछ और पॉपकॉर्न बनाते हैं। हमारे पास एक फ्राइंग पैन है। दाने भरे, बस कुछ देर और तैयार। क्या हम स्किटल्स भी मिलाएंगे? शायद यह सच हो कि कैंडी पॉपकॉर्न को रंग सकती है। काश यह काम कर जाए। मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने देखा? हाँ, यह काम कर रहा है। वो पॉपकॉर्न उड़ रहा है। हाँ, बस। अरे, एक कुछ करो। ढक्कन कहाँ है? लगता है अब सब ठीक है। देखो, वाओ, ये मस्त है। ओह, भूखर कहीं के, तुम भी पेटू हो। ये अच्छा था, हमने अच्छा किया।